तो बच्चों अब हम लोग शुरू करेंगे सोर्स और सिंक के बारे में। तो इस चैप्टर में असली काम इन्हीं पर है, सोर्सेज एंड सिंक। चैप्टर का नाम ही बेसिकली यही है, सोर्स और सिंक बोलते हैं अधिकतर लोग इस चैप्टर को। तो इसमें सोर्स किसे कहें, हम लोग हम टू डायमेंशन में बात कर रहे हैं इस समय। तो आप ऐसे समझिए कि सपोज अगर पॉइंट ओ पर कोई सोर्स हो तो उससे फ्लूड बाहर को निकल रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड फ्लूड क्रिएट हो रहा होगा, मतलब सेंस समझ सकते हैं। क्रिएट का मतलब है कहीं से जब आ रहा होगा तभी बाहर को भी आ रहा होगा। क्रिएट का वो मतलब नहीं है जो फिजिक्स में है। और अगर फ्लूड एनिहिलेट होता है, मतलब फ्लूड चारों तरफ से आके इस पॉइंट ओ पर कहीं को चले जाता है नीचे को, तो वो सिंक हो जाएगा, जैसे किचन में होता है। अब इस दौरान ध्यान यह रखना है कि जो मोशन या तो इनवर्ड या आउटवर्ड जो भी होगा वो रेडियस वेक्टर ही डायरेक्शन में होगा, मतलब रेडियल मोशन होगा। मतलब पोलर में अगर आप लोगों को याद होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो ये रेडियस वेक्टर ही डायरेक्शन है। यहाँ को डायरेक्शन वेलोसिटी माइनस डेल फाई अपॉन डेल आर आएगी। इससे जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। परपेंडिकुलर होगी क्या वैसे, माइनस डेल फाई अपॉन आर डेल थीटा, हम इसे जीरो लेंगे। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? रेडियस यस सर। सोर्स से बाहर को जब फ्लूड आएगा तो गोल गोल नहीं घूमेगा, क्योंकि हमने इरोटेशनल अभी भी लेना है, रोटेशन नहीं होना। रोटेशन नहीं हो रहा तो फ्लूड लीनियर डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड जाएगा, और सेंट होगा तो रेडियली इनवर्ड आएगा बस। तो वेलोसिटी केवल रेडियस वेक्टर ही डायरेक्शन में आएगी, उसके परपेंडिकुलर कहीं पर करना होगा तो जीरो आएगी। दूसरा, क्रॉसी रिमेनेंट क्वेश्चंस हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो, तो प्लीज ध्यान दीजिए। जब हम लोग ये लिखते हैं, या यू का मतलब वो एक्स वाई का फंक्शन है, और वी का मतलब भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो क्रॉसी रिमान होती है कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। अगर मैं इसी तरीके से इसी पैटर्न पर फाई प्लस आई साई लिखूं, तो प्लीज ध्यान दीजिए मैं पोलर में लिखूं, अगर एक्स वाई में लिखूं तो ऐसे ही चलना है। पोलर में लिखूं अगर आर थीटा प्लस आई साई आर थीटा, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन की बात करूंगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए, पैटर्न समझिए ना। यू का पहले वाले के रिस्पेक्ट में और वी का दूसरे के रिस्पेक्ट में है, तो सीधे सीधे बराबरी है। तो यहां पर आप फाई का आर के रिस्पेक्ट में और साई का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बराबरी हो जाएगी। लेकिन आर के रिस्पेक्ट में एलिमेंट्री पार्ट हमेशा डेल आर या डेल्टा आर होता है, और उसके परपेंडिकुलर आर डेल थीटा होता है। इसका मतलब यहाँ ये आएगा। और ऐसी दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, जब डेल फाई अपॉन करेंगे और यहाँ डेल साई अपॉन करेंगे, ये आर के रिस्पेक्ट में माइनस और ये आर डेल थीटा। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास फाई और साई में क्रॉसी रिमेनेंट क्वेश्चंस है, हमारी जरूरतें ये भी हैं इसलिए कर रहे हैं। उम्मीद है ये बातें सबको क्लियर होंगी पहले से भी। तो हम लोग अब सोर्स और सेंटर डिफाइन करने लगते हैं। चलिए हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इफ द फ्लो पैटर्न, फ्लो पैटर्न इन द एक्स वाई प्लेन इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो उम्मीद है इस शब्द का अर्थ आप समझ में आ ही गया होगा।
आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट, एंड सिमेट्रिकल इन ऑल डायरेक्शन, एंड सिमेट्रिकल, इस लाइन को समझिए अब, एंड सिमेट्रिकल इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में, मतलब 2D में, हाँ, चारों तरफ, ऑल डायरेक्शन इन दैट प्लेन, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर द पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंपल सोर्स, द पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंपल सोर्स, हम इसको ऐसे कर सकते। अगर फ्लो आउटवर्ड की जो बस इनवर्ड हो जाए, बाकी सब सेम हो, तो वो सिंक हो जाएगा। मैं बस इतना ही लिख रहा हूं, इफ द फ्लो इज इनवर्ड अगर ऐसा है, रेडियली इनवर्ड, बाकी सब सेम है, बट डायरेक्शन अंदर को हो जाएगी। तो पॉइंट को क्या कहेंगे, द पॉइंट इज सिंक, तो सोर्स में कंटिन्यूअस फ्लो मोशन बाहर को होगा। कंटिन्यूअस तो होना ही है बच्चों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो हम हर जगह मान के चलते हैं। तो और फ्लूड एनिहिलेशन की बात आएगी तो समझ लो सिंक है। तो अब हम बात करते हैं सोर्स के उस पर, उसकी स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स। इस पे बात कर लेते हैं। आउटवर्ड फ्लो पर यूनिट टाइम, मतलब 8 सेकेंड में कितना फ्लो बाहर को आ रहा है, बस सीधी बातें हैं, हम इसको ऐसे ले, इट इज मेजर्ड एज आउटवर्ड फ्लो पर यूनिट टाइम, जो भी टाइम, टाइम की यूनिट है, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, जिस रूप में भी आप कहना चाहते हैं, तो वो आपके पास सोर्स की स्ट्रेंथ है। सेंट्री का भी यही होगा, आउटवर्ड ही जो इनवर्ड हो जाएगा। तो बेसिकली सेंट जो है नेगेटिव सोर्स कह सकते हैं, सेंट्रो को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्चुअली सेंट इज अ नेगेटिव सोर्स, ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो मान लेते हैं कि किसी सोर्स से पर सेकेंड कुछ फ्लड बाहर आ रहा है, कुछ अमाउंट मानते हैं, लेकिन इफ 2 पाई m ले लेंगे, इस पर ध्यान दीजिए, m सोर्स से स्ट्रेंथ के लिए है, 2 पाई चारों तरफ एक एंगल हो गया सोर्स से, इफ 2 पाई m इज द टोटल फ्लो अक्रॉस एनी स्मॉल क्लोज कर्व, एनी स्मॉल क्लोज कर्व सराउंडिंग द सोर्स, सराउंडिंग द सोर्स, देन एम इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स। इस लाइन का अर्थ समझते हैं, कहीं पर सोर्स है, आपने उससे चारों ओर सर्कल बना लिया, तो इस सर्कल से चारों तरफ को सभी दिशाओं में
मतलब सभी चा मतलब चारों दिशाओं में टोटल फ्लो जो बाहर को निकला अगर वो 2 पाई m, तो फिर m स्ट्रा 2 पाई तो एंगल है पूरा 360, m स्ट्रा स्ट्रेंथ होती। तो सेंट्रिटी स्ट्रेंथ क्या मानेंगे फिर, सोर्स ये है तो माइनस एम। वेरी गुड। सिमिलरली स्ट्रेंथ ऑफ सेंट विल बी माइनस एम। तो ये प्लस माइनस जैसा चल चल रहा है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा टफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजें डिफाइन कर रहे हैं हम तो अभी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी 0 होगी, ध्यान दे रहे हैं। मैं लिख भी देता हूं, ट्रांसवर्स वेलोसिटी सब रेडियल होगी, ट्रांस वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो ट्रांसवर्स होगी बच्चों माइनस डेल फाई अपॉन 1/r डेल थीटा, और हम इसे 0 लेंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि माइनस मैं लिया है ना, तो डेल साई अपॉन डेल आर। इस इक्वेशन की कई बार जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो जहां भी सोर्स इन का मामला है तो फाई केवल आर के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 है फाई का, और साई थीटा के साथ वेरी करेगा क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में 0 है। दैट इज ऐसे भी समझ सकते हैं, फाइव वेरीज विद ओनली आर एंड साइव वेरीज विद ओनली थीटा। ये आपकी नॉलेज के लिए नॉर्मल कि अच्छा ऐसा कुछ होगा। अगर मैं एक छोटा सा सोर्स बनाऊं सेंटर पर, ओरिजिन पर ही मान लो अभी, इसका रेडियस आर है और आउटवर्ड फ्लो चल ही रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। लेट अस टेक अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम एट द ओरिजिन, ठीक हो गया। इससे चारों ओर आर रेडियस है, कर्व बना लें। तो कर्व सबसे सिंपल है, सर्कल बना लो, ये इमेजिनरी है, हमने सोच लिया। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द सोर्स विद रेडियस आर, हमने ये मान लिया कि आर रेडियस है। तो बच्चों जो आउटवर्ड फ्लो है, आउटवर्ड फ्लो अगर एम रेडियस है तो हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, अभी पढ़ा था 2 पाई इंटू m। अच्छा एक बार सोचिए, कहीं पर रेडियल वेलोसिटी निकाल दी हो तो वो कितनी थी, माइनस डेल फाई अपॉन डेल आर, किसी टू भी रेडियल वेलोसिटी। हेलो यही है ना, यस सर। देखो बेटा इस डायरेक्शन में रेडियल इतनी है और ऐसी कितनी डायरेक्शन है, टोटल 2 पाई है। तो 2 पाई से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी आउटवर्ड फ्लो 2 पाई m के बराबर ही आना चाहिए या नहीं, यस सर। मैंने 2 पाई r कर दो मतलब सॉरी पूरा पूरी बाउंड्री 2 पाई r इंटू 8, बाउंड्री का 8 पॉइंट पर बाहर को रेडियल वेलोसिटी माइनस डेल फाई अपॉन डेल आर। मतलब मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं तो लिख सकता हूं बाउंड्री, टोटल बाउंड्री मतलब ना, इंटू रेडियल वेलोसिटी। ये लॉजिकल लगा, पूरी बाउंड्री को मल्टीप्लाई रेडियल वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री के किसी पॉइंट पर रेडियल वेलोसिटी लीजिए 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो टोटल आउटवर्ड फ्लो मिल जाना चाहिए।
और वो 2m π। तो आपके पास माइनस डेल फाई अपॉन डेल आर कितना आ जाएगा, 2π कैंसिल है, तो एम अपॉन आर, तो यहां से डेल फाई इक्वल टू डी फाई भी हो जाएगा, अब तो माइनस एम डेल आर अपॉन आर। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फाई इक्वल टू माइनस एम लॉग आर, बस ये याद रखने लायक चीज। किसी सोर्स की वजह से फाई कितना होता है, माइनस एम लॉग आर। अजीब बात है, सोर्स की वजह से फाई नेगेटिव आएगा। क्या ये लाइन क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगेन फ्रॉम टू हम इसको साइड टर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रॉम टू, टू पाई आर तो ठीक था, माइनस डेल फाई अपॉन डेल आर ही जो चल लिख सकते हैं, माइनस डेल साई अपॉन आर डेल थीटा इक्वल टू 2m π। इक्वेशन पिछले पेज में जाइए, ये देखिएगा ये वाली इक्वेशन जहां मैं डबल टिक कर रहा हूँ, देखिए डेल साई अपॉन आर डेल थीटा डेल फाई अपॉन डेल आर की जो ऊपर, तो ये लिख दिया है। तो यहां से 2π कैंसिल, आर से आर भी कैंसिल, माइनस डेल साई अपॉन डेल थीटा क्या बचेगा, एम। तो यस इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से साई इक्वल टू माइनस एम थीटा ही आएगा। कॉन्स्टेंट हटाइए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फाई और साई इस तरह से आते हैं जैसे सोर्स की वजह से। अगर थोड़ा सा और बातचीत करनी हो इन मुद्दों पे, तो अगर कहीं पर इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल हो रहा तो आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल अगर वेलोसिटी पोटेंशियल तो फाई कांस्टेंट होगा, और आप रखेंगे तो सीधे सीधे आर इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। वो तभी हो पाएगा जब आर कांस्टेंट हो। बच्चों, आर रेडियस वेक्टर है, वो कांस्टेंट होगा तो मतलब आर स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और आर स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2d। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पोटेंशियल वाली जो सरफेसेज होंगी वो कैसी होंगी, सोच पा रहे हैं आप लोग? अरे यार सर, अच्छा नहीं, कंसेंट्रिक। हेलो, सर्कल्स हाँ कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। अगर आपको फाई कॉन्स्टेंट चाहिए तो किस सर्फ कौन से कर्व होंगे जहां पर फाई कॉन्स्टेंट होगा, तो वो कंसेंट्रिक सर्कल होंगे सोर्स की वजह से। मतलब समझिए, वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट, मतलब मान लो वेलोसिटी पोटेंशियल की कुछ वैल्यू रख दिया आपने लैम्डा, तो वो लैम्डा सोर्स से बराबर दूरी पर चारों तरफ दिखेगा। फिर रेडियस बदल देंगे तो दूसरा वेलोसिटी पोटेंशियल सोर्स से चारों, सिमेट्री है। और ऐसे ही अगर आप स्ट्रीम लाइन के बारे में कहेंगे तो साई कांस्टेंट, तो थीटा कांस्टेंट, थीटा कॉन्स्टेंट क्या होंगी, लाइंस होंगी सर। फॉर स्ट्रीम लाइन्स। ऐसे ही अगर थीटा कॉन्स्टेंट, तो थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब ध्यान से समझिए, एक कॉन्स्टेंट एंगल पर, तो सोर्स से चारों तरफ को कोई भी एक एंगल लो, उस पर रेडियल आउटवर्ड जाने वाली जो भी एंगल ले लिया आपने, ये होंगे स्ट्रीम लाइन्स। स्ट्रीम लाइन लाइन ही होंगी, लेकिन इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल वाली जो लाइन है वो एक्चुअली सर्कल होंगी।
स्ट्रीम लाइन के लिए थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। तो भाई ये यहां तक अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। बाकी लोगों को भी आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत यस सर आ रहा है। है? अच्छा बच्चों, हमें फाई भी पता लग गया, साई भी। तो मैं फाई और साई की मदद से अब डब्ल्यू निकाल देता हूं। तो डब्ल्यू इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जिसको हम डब्ल्यू कहते हैं, वो बेसिकली फाइव प्लस आई साई है। तो फाइव इज माइनस एम लॉग आर और माइनस आई एम थीटा। आप लोगों में से मैंने बताया तो था, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया होगा। लॉग ऑफ जेड अगर आप लेते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, या लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बच्चों इसको रियल इमेजिनरी सेपरेट करना है, लोग प्रूफ भी करा देता हूँ। एक्स प्लस आई वाई टी जो पोलर फॉर्म में आर ई टी पावर आई थीटा भी लिखा जा सकता है। आप इसे लिखेंगे तो ये लॉग आर प्लस लॉग ई टी पावर आई थीटा हो जाएगा। और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ आर स्क्वायर और इसे आई थीटा, लॉग ई बेस ई वन हो जाएगा। तो हाफ लॉग आर स्क्वायर का मतलब होता है टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स थीटा का ही मतलब। ये रियल और इमेजिनरी में सेपरेशन। अब यहां पर भी समझिए, माइनस वही स्थितियां आ रही हैं, एम बाई टू लॉग ऑफ आपके पास आर स्क्वायर है माइनस आई एम थीटा। अगर आप वैल्यू रख रहे हैं तो ये लॉग ऑफ आर स्क्वायर का मतलब फिर वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप माइनस एम बाहर ले लें तो वन बाई टू हाफ लॉग प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है। तो जिन लोगों को थोड़ी भी ट्रिग्नोमेट्री आती है वो समझ सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा। माइनस सीधे सीधे मैं लिख ले रहा हूँ करीब, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ एम लॉर्ड जेड। क्या ये सभी लोगों को समझ में आया? यस सर, यस सर। अब इसमें कुछ चीजें और, जैसे ना बेटा अभी तो मैंने ओरिजिन पे रखा था सेंटर, तो माइनस आपके पास आया एम लॉग जेड को आप जेड माइनस जीरो लिख सकते हो। तो अगर कहीं और पॉइंट ए पर आता तो उस हिसाब से क्या आ जाता? मैं जेड ऐसे माइनस कॉम्प्लेक्स के पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। Due to a source will be, तो W equal to हो जाएगा माइनस एम लॉग जेड माइनस ए। तो अगर कहीं पर ओरिजिन पे ना रखा हो तो ऐसा हो सकता है। अच्छा ये तो सोर्स की वजह से, अगर सिंक की वजह से होता तो W due to a sink निकालना होता। पॉजिटिव। हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोर्स की स्ट्रेंथ पॉजिटिव होती है लेकिन सोर्स की वजह से जो W आता है वो निगेटिव आता है। सिंक की स्ट्रेंथ निगेटिव होती है लेकिन जो W आता है वो पॉजिटिव आता है। तो ये एक समझने लायक चीज है।
मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो सोर्स और सिंक, ये अगर ये क्लियर हो गया हो तो मैं इसकी वजह से आपको एक आर्टिकल देखते हैं, कोई सवाल देखते हैं। नए पेज पे ले जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन देखिए प्लीज, ये अरेंजमेंट जो आपके पास है ये क्या बता रहा है, ये पूछा गया है। तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पहले देख लीजिए। अभी लिखिएगा मतलब डब्ल्यू इक्वल टू, आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये हो जाएगा जेड प्लस ए जेड माइनस ए अपॉन जेड। तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ जेड प्लस ए प्लस लॉग ऑफ जेड माइनस ए माइनस लॉग ऑफ जेड। क्या बता रहा है बच्चों ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन, क्या बता रहा है? दैट इज डब्ल्यू एट एम वी हैव, पहले से मैं पहले से बता रहा हूं, वी हैव अ सिंक एट माइनस ए कॉमा जीरो, अनदर सिंक एट प्लस ए कॉमा जीरो, ऑफ स्ट्रेंथ प्लस वन भी लिखना पड़ेगा, सबकी स्ट्रेंथ प्लस वन। ये भी नहीं, सेंट है ना, माइनस वन ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि एम दिख नहीं रहा है, माइनस वन एंड सोर्स कहाँ पर होगा, सोर्स ऑफ, जीरो को हाँ एट जीरो जीरो ऑफ स्ट्रेंथ वन। तो बच्चों ये सीधे सीधे दिख रहा है आपको, मैं पिछले पेज पे ले जाता हूँ, एक मिनट जरा देखिए। सर, ये सिंक वाले का भी प्लस वन होना चाहिए था ना, क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस ही होते हैं। ये देखिएगा एक मिनट, हाँ बेटा अभी बता रहा हूँ। ये जो नोट करके दो पॉइंट लिख रखे हैं वो देखिए, एम स्ट्रेंथ का सोर्स होगा तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एम लॉर्ड जेड माइनस ए कॉमा जीरो पर। तो ये है आपके पास, तो सोर्स का स्ट्रेंथ प्लस वन, सिंक की स्ट्रेंथ माइनस वन, दोनों की एट ए कॉमा जीरो पर, एट माइनस ए कॉमा जीरो पर। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो, यस सर, अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे देखिएगा। ये एग्जाम में ऐसा ही बनाना भी है, रफ स्ट्रेस लिखा हुआ है। आप बहुत एक्यूरेट मत बनाइए, लेकिन आप एक्यूरेट की जरूरत भी नहीं है। एट सोर्स हो रहा यहाँ पर प्लस वन का, और एट हो रहा माइनस वन का यहाँ पर, एट कॉमा जीरो माइनस एट कॉमा जीरो मान लो, उतना ही प्लस में इधर को मान लो, एट सिंट यहाँ पर होगा, ये एट कॉमा जीरो है माइनस में, ये प्लस में एट कॉमा जीरो, एट सेट सीज में ही होने हैं पॉइंट। अब बनानी है इनके स्ट्रीम लाइन के बारे में, फ्लो कहाँ को जाएगा। तो बेटा सोर्स से कहाँ को जाएगा, आउटवर्ड आउटवर्ड जाएगा, तो ये ओरिजिन से जाएगा बाहर को, माना ऐसे जा सकता है, ये सेंटर है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। अरे भाई यहाँ पर गड्ढा है ना, सेंटर मतलब गड्ढा जैसा सोचो, और इधर को भी जा सकता है। आपने इतना बना दिया तो टीचर ने एरो देखने हैं, एरो कहाँ को लगा रखे हैं आपने आपकी कॉपी में, एक सवाल तो आने ही आना है ऐसा। ये समझ में आया?
और सोर्स से बाहर को भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही जाए। और ये सिंक है तो इसमें और जगह से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, दो लाइनें ऐसी बना लो, ऐसे यहां भी बना लो भाई। ऊपर से भी आ सकते हैं, कोई लाइनें ऐसे आ जाएंगे और ऐसे आ जाएंगे, इधर से भी आ सकते हैं, ऐसे यहां से भी आ सकते हैं। अब इधर हो तो आईने नहीं है, तो सोर्स है, इधर को आ सकते हैं, कुछ ऐसे स्मूथ लाइन हो गया। इसीलिए नंबर है बच्चों, सोर्स से बाहर को और सेंटर में अंदर को। क्या ये बाकी लोग भी समझ पाए क्या हो रहा है? हेलो, यस सर। चलो अच्छी बात है। फिर हमने देखो सवाल के कितना पार्ट कर दिया। पहला था व्हाट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बता दिया हमने, बहुत आसान सवाल है यार। फिर था रफ स्ट्रेच ड्रॉ करिए स्ट्रीम लाइन, कर दिया भाई। अब लास्ट पोर्शन पे आते हैं। प्रूव दैट टू ऑफ द स्ट्रीम लाइन सब डिवाइड इन टू द सर्कल आर इक्वल टू ए एंड वाई एक्सिस। स्ट्रीम लाइन निकालते हैं, तो स्ट्रीम लाइन निकालने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब आपके पास डब्ल्यू जो है वो है लॉग ऑफ जेड प्लस ए, फिर क्या था दूसरा, प्लस लॉग ऑफ जेड माइनस ए माइनस लॉग ऑफ जेड। आप इसको अगर तोड़ोगे रियल इमेजिनरी में, तो जेड ही जो एक्स प्लस आई वाई, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस आई वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस आई वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई। और डब्ल्यू का मतलब 5 प्लस आई साई। आपको साई चाहिए ना स्ट्रीम फंक्शन, तो इमेजिनरी पार्ट बराबर कर दो खाली। इसको रियल इमेजिनरी में कितना लिखोगे अगर पूरा लिखना हो तो? 1/2 log x² हाँ पूरा प्लस लिखना वाई पड़ेगा स्क्वायर बेटा, लॉग एक्स प्लस ए, चलो लिख लो प्लस वाई स्क्वायर, फिर ट्राइयों के नहीं आएगा समझ में, प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस ए, ये पहला हो गया, प्लस हाफ लॉग एक्स, कैलकुलेशन है बस, वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस ए, ये दूसरा हो गया। ऐसे तीसरा फॉर्मूला ही बन जाएगा वो, तो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। मुझे स्ट्रीम लाइंस पे बात करनी है, तो मैं ट्रायल इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर रहा हूँ, तो साइड प्रोडक्ट बोलिए प्लीज, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस ए प्लस ए प्लस टेन टेन इनवर्स इनवर्स वाई वाई अपॉन एक्स माइनस ए माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। आप लोगों ने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, या प्लस माइनस जो भी है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन माइनस वन एक्स, प्लस एक्स अगर प्लस है तो ये माइनस है तो। हाँ तो पहले इन दोनों में लगा लो जो आएगा उसका, फिर लास्ट वाले के साथ। मैं समय कम है तो मैं सीधे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, ये आ रहा है टेन इनवर्स, बोर्ड से उठा रहे, इसमें क्या सोचना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये। तो बेटा अब स्ट्रीम फंक्शन या स्ट्रीम लाइन के लिए साई कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो ये कॉन्स्टेंट होगा, और ये कॉन्स्टेंट होने के लिए आपके पास देखो ना, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
अगर आप इसे कांस्टेंट रह देते हैं तो कांस्टेंट तो जीरो भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो आपके पास जीरो की तरफ तब जाएगा कांस्टेंट जब वाई भी जीरो होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये तो जीरो। नीचे वाला लो, एक्स जीरो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, उसी से आर इक्वल टू ए मिलेगा, इसी से एक्स